1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर 66-67 वर्षों तक शासन करने वाली सरकारों ने जितना कार्य नहीं किया, मात्र 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने 2 करोड़ परिवारों को मकान दिलाए, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिलवाए, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिलाए, 10 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया, 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, स्टैंड अप और स्टार्टअप की योजना से स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया, 36 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खुलवाने के कार्य किए और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। योजनाओं का लाभ सबको, इस मामले में कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी भी प्रकार की किसी प्रकार का कोई भेद किसी के साथ नहीं। जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर देश के अंदर आजादी के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने प्रारंभ किया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये भेदभाव समाप्त हुआ। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए, कहीं पर हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं एयरपोर्ट, कहीं पर एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, बड़े बड़े संस्थान भी स्थापित करने प्रारंभ किए और इन सभी कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाने के साथ जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पूरी टीम के साथ जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के दुष्प्रचार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को 2014 से भी भारी बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का कार्य किया। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था 5 साल गरीबों के लिए समर्पित, देश के बुनियादी ढांचागत विकास की योजनाओं के लिए समर्पित, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आगामी 5 साल आजादी के पहले से लटके हुए उन सभी मामलों को सुलझाने के लिए मेरे समर्पित होंगे जो भारत की आकांक्षा के प्रतीक बनकर के उभरेंगे। और ये आकांक्षा की प्रतीक बनकर के कौन सी योजनाएं हैं भाइयों बहनों, जिन योजनाओं के विरोध में जगह जगह दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं। ये धरना नागरिकता कानून को लेकर के नहीं है, ये धरना तो इस बात को लेकर के है कि भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे उभर रहा है, कैसे रोका जाए भारत को। और इसलिए उनकी चिड़ ये है कि इनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े कर दिए थे, आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन जा रहा है। इनके पूर्वजों ने इस देश के आन मान और शान के साथ सदैव खिलवाड़ किया, आज कैसे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। इनकी चिड़ इस बात को लेकर के है कि ये लोग नारे तो लगाते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर नैना सानी हत्याकांड भी होता था, तंदूर कांड भी होता था, और तंदूर कांड के माध्यम से कैसे
माता और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, कैसे तीन तलाक के नाम पर साबानो प्रकरण के मामले में कांग्रेस ने कोरे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को भी पलटने का कार्य किया था। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तीन तलाक की अनैतिक और अवैध कार्रवाई को पूरी तरह प्रतिबंधित करके तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मादा भी मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कश्मीर में धारा 370, 1952 में जब कांग्रेस ने छल कपट के कारण धारा 370 को देश के संविधान का हिस्सा बनाया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, तब भी उन्होंने कहा था ये धारा 370 यह देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, लेकिन कश्मीर और देश के अंदर अलगाववाद को पैदा करने वाली धारा 370 को कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग जबरन लागू करके भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। हम आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके पाकिस्तान पर एक तमाचा मारा है। अगर धारा 370 पर पाकिस्तान को परेशानी नहीं होती तो पाकिस्तान का मंत्री केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली चुनाव में समर्थन नहीं मांगता। आप देख रहे होंगे, जब उन्हें भारत से समर्थन नहीं मिल रहा है, दिल्लीवासी समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो केजरीवाल को समर्थन कौन दे रहा है? पाकिस्तान का मंत्री। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश होंगे कि पाकिस्तान जिन कारणों से खुश होगा क्या वह भारत के हित में होगा? तो फिर केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना? आप केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग के इस कृत्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं? और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, इनकी जो चिढ़ है एक और मामले में है। 500 वर्षों से यहां पर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और भाइयों बहनों, आप में से ज्यादातर लोगों ने, जो नौजवान हैं, इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उन लोगों ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी बनकर के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बारे में एक सपना देखा था। इस सपने को सदैव दिल्ली में करावल नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के तहत, तो 8 फरवरी को आपको बता दें कि वोटिंग है, 11 फरवरी को नतीजे आएंगे और उसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की तरफ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जनसभाओं को दिल्ली में संबोधित करेंगे।